अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो आई एम बैक विद एन अदर वीडियो। और मैंने सोचा था इब्राहिम को मैंने सुला दिया, उसके सोते सोते मैं वीडियो बना लूँगी, लेकिन अब आप देख रहे होंगे, आपको शीशे में नज़र आ रहा होगा छोटा सा भैया सा उठ के बैठ गए। तो अब हम ये वीडियो ना जल्दी जल्दी बनाते हैं। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। वीडियो आज मैं जो बना रही हूँ ना, इसमें मैं एक ऐसी लुक क्रिएट करने लगी हूँ जिसमें ना मैं अप्लाई करूँगी ग्राफिक आईलाइनर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। और बिलीव मी, मैंने आज तक अप्लाई करके नहीं देखा। मुझे नहीं पता मेरी शक्ल पर कैसे लगेंगे, मुझे नहीं पता कि लगाते कैसे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि अगर मैं लगाना शुरू करूँगी तो मुझसे लगेगा भी या नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी तक उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की और मैंने कभी भी वो अप्लाई नहीं किया। सो मैंने जो सोचा हुआ ना लगाने वाला, वो जो ऐसे करके और ऐसे ऐसे उसका एक ऊपर भी विंग बनता है, इस तरह लाइन ड्रॉ होती है, मैंने सोचा हुआ है कि मैं वो ट्राई करूँगी। सो चले अब हम चलते हैं और बगैर डिले किए हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और फुल फेस जो है ना, वो मैं आप लोग को एक एक चीज़ डिटेल में नहीं बताऊँगी, वो अपनी मैं लास्ट दो तीन वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी फुल फेस की रूटीन वही होती है जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है, और वो मैंने अच्छी खासी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। सो चले पहले हम लोग थोड़ा बहुत फेस को कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ग्राफिक आईलाइनर की तरफ, जो मैं आप लोग को बताऊंगी, और हम दोनों मतलब आप और मैं, हम लोग मिलकर देखेंगे कि मुझसे लगता भी है या नहीं लगता, और अगर लगता है तो मेरे ऊपर कैसा लगता है। चले करते हैं अब वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ सिर्फ अपने डार्क स्पॉट्स पर, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, और अब मैं इसे ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं आईज़ के नीचे भी थोड़ा बहुत कंसीलर लगा लूँगी और उसे मैं अपनी फिंगर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्लेंड करने के बाद आ जाएंगे हम आईज़ पर, और आईज़ पर मैं लाइट ब्राउन सा शेड लगाऊँगी पूरी आँख पर। दोनों आँखों पर मैं सिर्फ यही एक शेड लगाऊँगी। ये लगाने के बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। वैसे मैं आईब्रोज फिल नहीं करती होती, लेकिन आज मैंने सोचा कि ज़्यादा फोकस हमारी आईज़ पर ही होगा, क्योंकि आईलाइनर लुक जो मैं करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आईब्रोज फिल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम ब्लशों के ऊपर। एक साइड पे कुछ ज़्यादा ही लग गया था, जिसे मैंने बाद में मैनेज कर लिया था। बस मुझे यही सब करना था जो मैंने कर लिया है, क्योंकि इब्राहिम उठा हुआ है, अगर मैं ज़्यादा चीज़ें निकालूंगी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए मैं वो चीज़ें निकाल नहीं सकती, मैं वो दराज नहीं खोल सकती अपना मेकअप वाला। सो अब हम जल्दी से आ जाते हैं लाइनर की तरफ, और अब हम देखते हैं ग्राफिक आईलाइनर कैसा लगता है। ग्राफिक आईलाइनर की ट्रिक यही है कि आप जैसा अपना विंग आईलाइनर लगाते हैं ना, पहले वो अप्लाई करें, पहले अपना विंग बना लें अपना, और फिर उसे फिल कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। आप लोग देखते जाइए मैंने किस तरह लगाया है। पहले मैंने विंग बनाया है और फिर मैं उसे फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद जो विंग की टिप होगी ना, उसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया आँख के अंदर वाली साइड पर। ये देखें, हाफ आई से भी ना थोड़ा सा कम, इतना आपने एक्सटेंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और अब मैं पूरी आँख पर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर भी एक बड़े मज़े की चीज़ है, लगाना आ जाए तो बड़ा ही मज़ा आता होता है लगाने में, और अगर ना लगाना है तो सर दर्द बन जाता है अक्सर लोगों की। लोग कहते हैं कि भाई हमसे तो आईलाइनर लगता नहीं है, पता आईलाइनर ऑलमोस्ट लग गया है। ये ना थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी थिन होनी चाहिए थी लाइन, ये यहाँ से ना थोड़ा सा स्प्रेड हो गया। अब मैं इसे ना टिशू वाइप से ना यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर, माइसेलर वाटर ले लें या वाइप ले लें, और जो भी इम्परफेक्शंस आपको लग रही हैं उन्हें आप उस इजीली क्लीन कर सकते हैं। टडा, चेक करें, मैंने आप लोग के सामने लगाया ये वाला लाइनर, और कितने मज़े का लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है, प्यारा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम इस लुक को कंप्लीट करते हैं मस्कारा के साथ। यहाँ पर ना जो मस्कारा लगाते हुए ये जो फ़नी शक्लें बन रही होती हैं ना, बस आप ये चेक करें। अब मैं ना दूसरी आंख पे लगा कर आती हूँ ऑफ कैमरा, और फिर हम देखते हैं कि कैसी लग रही है ये लुक। इसी वाइट पेंसिल लगाई है आईज़ के अंदर, मस्कारा लगा लिया है, इधर वाली आँख का देखें आप। अब हम लिपस्टिक लगा लेते हैं। लिपस्टिक का मेरा दिल कर रहा है इस लुक के साथ शॉकिंग पिंक जाने। यहाँ पर मैंने लगाई है एक चटाख से पिंक कलर की लिपस्टिक, जो कि आपको नज़र आ रही होगी जी। तो ये है मेरी फ़ाइनल लुक, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ये जो आईलाइनर लगाया है, ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ही मैंने एक गो के अंदर ये आईलाइनर लगाया है, और मुझे तो अच्छा लग रहा है। और ये लुक, इस तरह की लुक मोस्टली अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स या छोटी बच्चियों को, मतलब जो बच्चियाँ होती हैं टीन एज गर्ल्स, उनको भी इस तरह की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने क्या करना, नीचे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन है यार, सब्सक्राइब कर लो। 5-6 हज़ार से ज़्यादा बंदा ना पिछले ये 28 डेज़ का आ रहा होता है एनालिसिस डाटा, 5-6 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं मेरी सारी वीडियोज़ के ऊपर, सारे टोटल करके वो आते हैं, लास्ट 28 डेज़ का काउंट आता है व्यूज़ का। तो आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बिलीव मी, सब्सक्राइब करने का कोई बिल नहीं आता, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा कि आपने सब्सक्राइब किया है समरा शरीफ को, तो सॉरी इब्राहिम मोमी को आपने सब्सक्राइब किया तो आपको ये बिल आ रहा है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए दिल बड़ा करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इससे पहले इब्राहिम और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दे, हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।